जुलाई 2018 का आखिरी हफ्ता पाकिस्तान की जमहूरियत के लिहाज से बड़ा अहम है, क्योंकि इसी वक्त पाकिस्तान में वोट पड़ेंगे और नतीजे भी आ जाएंगे कि सरकार किसकी बनी है। मगर इन सब के बीच जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की स्वदेश वापसी। नवाज की वापसी ने पाकिस्तान के आम चुनाव में सरगर्मी ला दी है। देश के बाहर भागे भागे फिर रहे और चुनाव के ठीक पहले अपने वतन लौटे और फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बेटी मरियम के साथ बंद नवाज जमकर ताल ठोक रहे हैं। सहानुभूति का लाभ भी उन्हें मिल रहा है। जेल में उनको विशेष सुविधा न मिलने का जिक्र भी उनके कार्यकर्ता खूब कर रहे हैं। इसके अलावा नवाज की पार्टी PMLN के नेताओं को दी जा रही धमकी, दबाव और झूठे आरोप के मद्देनजर नवाज की चुनौती में दम आया है। पाकिस्तान के सियासी ताने बाने पर अगर नजर डालें तो कुछ शहरी क्षेत्रों और आसपास की जगहों पर इमरान की पार्टी तहरीके इंसाफ का बोलबाला है, मगर बाकी जगह नवाज छाए हुए हैं। खासतौर पर पाकिस्तान के ग्रामीण इलाके में नवाज की पार्टी की हालत काफी बेहतर है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी भुट्टो के पुत्र बिलावल की पार्टी PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कई इलाकों में रैली न करने की इजाजत से भी नवाज को फायदा हुआ है। ऐसे में अगर इमरान और उनकी तहरीके इंसाफ के खिलाफ अगर कोई तगड़ा दावेदार दिखता है तो वो बस PMLN और नवाज शरीफ ही हैं। नवाज की पार्टी इमरान की तहरीके इंसाफ के खिलाफ ध्रुवीकरण की उम्मीद लगा रही है। 40 साल और उससे ऊपर के ज्यादातर मतदाता नवाज के समर्थन में हैं। यहाँ तक इसका असर नौजवानों में भी हो रहा है। सियासी जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर जरा भी निष्पक्ष चुनाव हुए तो नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में भी आ सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया खासतौर पर TV चैनलों ने आर्मी के पिट्ठू बन चुके इमरान और उनकी पार्टी तहरीके इंसाफ को पहले से ही विजेता घोषित कर दिया है, जबकि बाकी सारी पार्टियां चुनाव की निष्पक्षता पर बिल्कुल भी यकीन न करते हुए ये आरोप लगा रही हैं कि सेना PM चुन रही है और ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन है। ऐसे में पाकिस्तान के चुनाव पर सबकी नजरें हैं। पाकिस्तान का चुनाव आयोग कैसी भूमिका निभाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक पाकिस्तान के लोकतंत्र और चुनाव के बारे में क्या रिपोर्ट देते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि लोकतंत्र से अक्सर महरूम रहने वाले पाकिस्तान में सेना की खूब चलती है। अक्सर जमहूरियत को मुंह चढ़ाने वाली पाकिस्तानी सेना एक बार फिर से शक के दायरे में है। खुदा खैर करे। NTI पॉकेट TV के लिए संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।